दोस्तों पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस प्रदोष के दिन आपकी अपनी कोई विशेष मनोकामना जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो पा रही हो सकता है आप अपना व्यापार शुरू करने की सोच रहे हो किंतु ना कर पा रहे हो, आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही हो, या फिर आप धन प्राप्ति की कामना कर रहे हो लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा हो, तो भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय इस प्रदोष के दिन एक बूंद शहद का ये उपाय आपकी उस हर मनोकामना को पूरा कर देगा जो आप सोच रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को। देखिए पूज्य गुरुजी ने अपने शिव महापुराण की कथा में कहा कि आप सभी जानते हैं कि एक बेलपत्र के वृक्ष की महिमा क्या है। यही वो एकमात्र बेलपत्र का वृक्ष है जो स्वयं जगत जननी माँ पार्वती के आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, जिसके नीचे माँ सरस्वती अपनी वीणा का वादन करती हैं, यानी वीणा बजाती हैं, और यही वो बेलपत्र का वृक्ष है जिसके नीचे माता लक्ष्मी स्वयं झाड़ू लगाती हैं। इसीलिए इस बेलपत्र की महिमा अनंत गुना बढ़ जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इसीलिए हम प्रदोष के दिन ये खास उपाय आप लोगों से करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि प्रदोष के दिन किया गया ये छोटा सा उपाय माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करवाएगा, विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा भी प्राप्त करवाएगा, और भोलेनाथ की कृपा तो हमें प्राप्त होगी ही। देखिए सबसे पहले इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की। आप सभी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि बेलपत्र में एक बड़ी पत्ती होती है और दो छोटी, तो जो बड़ी पत्ती होती है उसी पत्ती में आपको लगाना है थोड़ा सा चंदन। अब चंदन आप पीला या लाल कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों चंदन में से किसी भी चंदन का आप इस्तेमाल कर लेंगे। बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती में चिकनी तरफ जो हिस्सा देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को स्पर्श करता है उस हिस्से में थोड़ा सा चंदन लगा लेना है। उसके बाद बेलपत्र का मध्यस्थ भाग जो बड़ी पत्ती और दोनों छोटी पत्तियों को आपस में जोड़ता है उस स्थान पर आपको लगाना है शहद। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये उपाय कितना सफल है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि पूज्य गुरुजी ने ये उपाय बताते समय कहा था कि जब आपने सोमवार के व्रत कर लिए हो, शिवरात्रि का व्रत कर लिया हो, और यहाँ तक कि अगर आपने पशुपति व्रत भी कर लिया हो और आपकी वो विशेष मनोकामना पूरी ना हुई हो, तो पूज्य गुरुजी ने इस बेहद कारगर उपाय को बताया था। तो आपने सबसे पहले बड़ी वाली पत्ती पर चंदन लगा लिया और पत्तियों के बीच के स्थान पर यानी मध्यस्थ भाग पर शहद लगा लिया है। अब इसके बाद आपको एक लोटा जल लेकर और ये बेलपत्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। जल आप किसी भी पात्र में ले सकते हैं, चाहे तांबे का पात्र हो, चाहे स्टील का हो या अन्य कोई पात्र हो। जल लेकर शिवालय पहुंचने के बाद शिवलिंग के सामने बैठकर सबसे पहले आपको ये एक लोटा जल समर्पित करना है। लेकिन एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखना कि ये जल वैसे ही समर्पित करना है जैसे पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है। पहले गणेश जी वाले स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और फिर सबसे आखिर में माता पार्वती के स्थान पर। तो इन सभी स्थानों पर जल समर्पित करने के बाद आपको सबसे आखिर में शिवलिंग में जल समर्पित कर देना है। फिर जो आप एक बेलपत्र ले गए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर रख देंगे, लेकिन बेलपत्र की बड़ी पत्ती का हिस्सा माता अशोक सुंदरी वाले स्थान की तरफ होगा। बस आपको ये आसान सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप एक प्रदोष ये उपाय करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी विशेष मनोकामना है वो मेरे महादेव की कृपा से धीरे धीरे जरूर पूरी हो जाएगी। अब ये उपाय आपको किस टाइम करना है, तो देखिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप ये उपाय सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अगर सुबह आपके पास टाइम है तो आप सुबह कर लें, नहीं तो दोपहर या शाम के किसी भी टाइम प्रदोष काल के आसपास आप ये उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया प्रदोष के लिए बेहद खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।